हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी है बंडा की सब्ज़ी। बंडा की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आधा किलो बंडा ले लिया है और इसको दोनों तरफ से काट कर निकाल दिया है और इसको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इससे लंबे लंबे भागों में काट लेंगे, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। इसे इसी तरह से कट करना है, इसे इस तरह से सारे कट कर हम तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे, इसे गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे हींग और फिर एक चम्मच जीरा डालकर इसको हमने बंडे जो कट किए थे इसको डाल देंगे और इसे इस तरह से हम चला लेंगे। इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं और इसे इस तरह से चलाते रहें। अब इसे हम 5 मिनट ढककर पका लेंगे, फिर इसे हम चलाएंगे और चलाकर इसे हम चारों तरफ सब्जी इस तरह से फैला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 4 मिर्ची कटी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और इसको इस तरह से हम चलाकर पका लेंगे। मसाला पक जाएगा, हम इसे सारी सब्जी इसमें मिक्स कर देंगे। ये सूखी सब्जी बनकर तैयार होगी दोस्तों। अब इसमें हम आधी गिलासी पानी डाल देंगे और फिर इसको ढककर हम पका लेंगे। सारा पानी भी सोख गया है और अच्छे से ये पक भी गई है। ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब एक बार इस तरह से बंडे की सब्जी बनाइए।